रोहित शर्मा की कैप्टनसी जो है वो खतरे में है, और क्यों ना हो, परफॉर्मेंस जो है टीम की बहुत बुरी थी, लेकिन उनकी कैप्टनसी लगातार दो सीरीज वो बुरी तरह हार चुके हैं। और मैं अगर वैसे किसी ने पूछा, इनफैक्ट थोड़ा सा किसी दोस्त ने पूछा था कि अहमद शाह से पूछें कि क्या विराट कोहली की कैप्टनसी वापस आ सकती है। देखिए आज वो कहते होंगे क्योंकि जितने वो तगड़े कप्तान थे, देखिए ट्रॉफीज जितना वो जितना खेले अपने आईपीएल से भी ट्रॉफीज वो नहीं जितवा सके, लेकिन इंडियन टीम को जो लेगेसी थी धोनी की वो एक लेवल पे उन्होंने रखी। अनफॉर्चुनेटली वो वर्ल्ड कप नहीं जितवा सकते, लेकिन उनकी जो टेस्ट की टीम थी, देखें आपने जितना जैसा रिकॉर्ड कोहली का है वो किसी का नहीं है, लेकिन उसके बाद T20 में भी वो थ्रू आउट अच्छा खेले, T20 की ट्रॉफी नहीं जीत सके, वनडे में भी, तो इन इवेंचुअली आपने उसको क्यों निकाला, क्योंकि ट्रॉफी नहीं ला सका। अदरवाइज रोहित शर्मा का ठीक है, उनका रिकॉर्ड मुंबई इंडियन से बड़ा अच्छा है, वो काफ़ी ट्रॉफीज जीते हैं मुंबई इंडियन के लिए, लेकिन इफ़ यू एस्क मी पर्सनली बहुत सारी चीज़ें हैं, उनकी फिटनेस, उनकी जो गेम अवेयरनेस है, उनकी जो टीम को साथ लेकर चलना, उनका एग्रेशन, उनकी कैप्टनसी ग्राउंड के अंदर, मीडिया हैंडलिंग उनकी सारी, वो रोहित शर्मा रिस्पेक्टेड प्लेयर है इंडिया के, बहुत बड़े प्लेयर है एज अ प्लेयर, वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी फिटनेस और उनके जो बाकी स्किल लेवल है जो कोहली जो थे उनसे बहुत ऊपर थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सब ने देखा कोहली वॉज रियली डाउन, उनके जो प्रेस में भी चीज़ें आ रही थी कि किसी ने उनको फ़ोन नहीं किया, किसी ने उनका पता नहीं किया, इतने बड़े प्लेयर के साथ आप इस तरह कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, और फिर वही प्लेयर जिसको आप बायर करने की बातें कर रहे हैं, उसने इस वर्ल्ड कप में भी आपका हाईएस्ट स्कोरर है अभी तक, मेरे ख्याल से जितना दुख कोहली को होगा क्योंकि वो बेस्ट बैट्समैन बन रहे थे टूर्नामेंट के, तो आप चेक कीजिए कि वो बेचारे की सारी जो एफर्ट थी, जो मेहनत थी, वो भी राय गां गई है। तो आई थिंक कोई किसी को, इंडिया को तो बुरा लगा ही होगा, लेकिन किसी को अगर सबसे ज़्यादा बुरा लगा होगा तो वो उस प्लेयर को जिसने पाकिस्तान के खिलाफ भी मिरेकल मैच निकाला, उसके बाद भी जो है ऐसी इनिंग्स खेली कि इंडिया उसे मिस करेगा और वो खुद बहुत उदास होंगे।